हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बस थोड़ी देर में हम लोग तैयार होके चेकआउट करेंगे होटल का, चलो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी, अब बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। भैया लोग रेडी हो रहे हैं, हमारे जो पहले ब्लॉगर थे ये रेडी हो चुके हैं, और हमारे जो दूसरे ब्लॉगर हैं ये देखो अभी जूते वूते पहन रहे, भी रेडी हो रहे हैं, और आपका चहिता विवेक तो रेडी हो ही चुका है। तो फिर बस अभी थोड़ी देर में और अजय भैया रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ से चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से घूमेंगे हम लोग ग्वालियर फोर्ट घूमेंगे, अब पूरा दिखाऊंगा मैं आपको। सो चलते फिर थोड़ी देर में, बाय। होटल के बाहर आ चुके हैं अभी, हमने थोड़ी देर में ऊपर जाके नाश्ता किया है, सब वहाँ पे तो लाइटिंग वाइटिंग नहीं थी, थोड़ा अंधेरा था इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो हमने नाश्ता करके अभी भी होटल के बाहर आए हैं। तो ये आ गया हम होटल के बाहर, और ये हमारा ऊपर सिटी प्लाजा होटल। तो बाय बाय होटल, मिलते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। तो फिर चलते हैं अभी आगे, हम लोग ग्वालियर फोर्ट जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को आगे क्या क्या होता है। तो बाय बाय। तो सो गाइस, हम लोग ग्वालियर फोर्ट पहुँच चुके हैं, ये देखो मेरे पीछे ग्वालियर फोर्ट पूरा ऊपर का नजारा, अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। मज़ा आ रहा ना यहाँ पर, मज़ा आ रहा ना, सच बताना मुँह से बोलता ही नहीं मैं। बहुत प्यारा लग रहा है, पता है पीछे का व्यू एकदम इतना कैंट लग रहा है, क्या बताऊं मैं आप लोग को। और जब हम लोग ऊपर जाएंगे तब कैसा होगा, तभी हम लोग ऊपर जाएंगे वो वहाँ पर, फिर वहाँ से शूट दिखाऊंगा मैं आप लोग को। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। सभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, देखिए यहाँ पर हम भी, हम लोग को गाड़ी में छोड़ा गया, हमने गाड़ी बुकिंग करवाई है, तो अभी हमें ऊपर यहाँ छोड़ा गया, अभी यहाँ थोड़ा घूमेंगे और सब दिखाऊंगा आप लोग को। गाइस, यहाँ का मैं वेन्यू दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने वाली चीज़ें सब मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग। मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, ये देखो अंदर पूरा एकदम किले की तरह हो चुका है एकदम ये, और ये मेरे पीछे का व्यू है देखो इस साइड। अभी मैं आपको ये दिखाने वाला था, जो यहाँ का कुआं है जहाँ पे जो भी महाराजा लोग रहते थे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो जो भी महाराजा लोग रहते थे वो यहीं पर आके पानी पीते थे यहीं कुएं से, और यहीं स्त्रियाँ नहाती थी, सब कुछ यहीं होता था। तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस देखने में, और दिखाते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अभी मैं आपको इतना खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा देखते ही आप बोलोगे वाओ, एकदम चौक जैसे, चौक नहीं जाना वैसे चौक जाओगे बिल्कुल देखते ही। तो ज़्यादा टाइम लगा के सीधा चलते हैं। गाइस देखो पीछे का वेदर कितना क्लीन आ रहा है, तो मैं आप लोग से बस यही बोलूंगा कि आप लोग को यहाँ का ये मेरे पीछे का नज़ारा कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका नज़ारा कैसे लगा हैशटैग नज़ारा करके मुझे कमेंट करें कि ये नज़ारा मुझे बहुत प्यारा लगा या बहुत खराब लगा, कुछ भी करके। तो सारी गाइस प्लीज़ भाई को बहुत सारा सपोर्ट करें, मैं बहुत जगह जा जाकर, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो मैं हर जगह जा जाकर मैं सारे ब्लॉग को बनाऊंगा और सब आप लोग को दिखाऊंगा। सो अभी आगे चलते हैं, सब दिखाता हूं आपको, बाय बाय। पार्क के अंदर आए, यहाँ पर आने के लिए हमें टिकट करवाना पड़ा, 25 रुपये का टिकट है, और अभी हमने पानी वानी लिया है, तो अभी पानी वानी पियेंगे, फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे, चलो। तो गाइस अभी हम लोग एक और अंदर आ चुके हैं, तो अंदर आके गाइस हमारे पीछे देखो पीछे शिवलिंग दिख रहा है, तो ये गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने आप से निकला हुआ है, यहाँ किसी ने इसको स्थापित नहीं किया, शिव जी का यहाँ पे शिवलिंग अपने आप से आया हुआ है ऊपर, तो इसकी बहुत अच्छा मानते हैं सब लोग, इसकी पूजा करते हैं। देखो अभी भैया भी गए हैं वहाँ पे माथा टेकने के लिए, अभी मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे ब्लॉग कट करना पड़ेगा, या फिर मैं भैया को बोलता लेने के लिए, तो मेरे हम चलते चलते थोड़ा और अंदर आ चुके हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और अंदर आ चुके हैं महल के दूसरे हिस्से में। तो आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पे पूरा महल का हिस्सा है, यहाँ पे सैनिकों की मतलब एक सभा लगती थी, सब लोग यहाँ पे एक ताल टाइप का, यहाँ पे सब लोग नहाते थे, अभी उसमें पानी नहीं है, सब ऐसे सूखा हुआ है, वो देखिए मेरे साइड वो है सूखा हुआ है। तो गाइस सच में यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है, अगर लाइफ में कभी भी मिलेगा ना तो मैं पक्का मैं वहाँ पर अपने वाइफ को लेके आऊँगा, पक्का, आई प्रॉमिस। तो
गाइस ये देखने में तो इतना प्यारा लग रहा है ना, लेकिन इतना ही खतरनाक है। इसको सुसाइड पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ से मेरे जस्ट नीचे यहाँ से कूद के यहाँ पर हाथ रखा, यहाँ से कूद के बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। सो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सबको बोलूंगा नहीं, आप लोग इसके बारे में कोई कमेंट मत करना प्लीज, और कभी ऐसे करने की सोचना नहीं। तो गाइस घूमते घूमते हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे भोजन कक्ष है। ये देखिए ये मेरे पीछे पूरा भोजन कक्ष है, पूरे महल का भोजन यहाँ बनता था, और इसका जो भी भोजन बनता था मेरे सीधे सर पे ये ऊपर आता था। देखो यहाँ ऊपर आता था भोजन का धुआं, तो मतलब यहाँ पे भोजन बन के सभी सैनिकों को दिया जाता था, सभी सैनिकों को सर्व किया जाता था भोजन। गाइस बहुत अच्छी चीज़ है, मैं दिखाते रह रहा हूँ आगे आगे चल के आप लोग। सो गाइस बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह। अच्छा अभी हम चल रहे हैं आगे, आगे चलते देखते हैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। तो चलो और थोड़ी हमारे हमारे बीच एक जुबिन नौटियाल है, तो उनकी एक आवाज़ सुन लीजिए आप। स्टार्ट तेरी याद आ रही मुझे, मर के भी तेरा साथ नहीं। सो गाइस भैया का सॉन्ग कैसा लगा प्लीज आप लोग मुझे बताना, कैसा लगा भैया का सॉन्ग कमेंट बॉक्स में पक्का। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था तालाब में, तालाब के इधर नहाते थे सब लोग। तो ये देखिए सर, ये मेरे नीचे सब तालाब है और इसी में सब लोग नहाते थे। जैसे गाइस मैं भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि इस तालाब में पानी आता कहाँ था। इसके थ्रू देखो पानी यहाँ ऊपर से आ रहा था, पानी पता नहीं ऊपर से पानी किधर से आ रहा था, लेकिन गुरुद्वारे में आ चुके हैं। इस गुरुद्वारे का नाम है दाताबंदी छोड़, और ये देखिए मेरे पीछे इस गुरुद्वारे का मेन गेट है ऊपर तक। तो अभी जाएंगे इस गुरुद्वारे के अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। और बताया गया था यहाँ मेला लगा है, मेरे पीछे कुछ तो दुकानें लगी हैं बट ऐसा ही लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। फिर भी चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी भी हम लोग गुरुद्वारे के अंदर आ चुके हैं, गुरुद्वारे को कवर करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं शूट ज़्यादा शूट दिखा नहीं पाऊँगा। हम लोग गुरुद्वारे में आए, देखे मेरे पीछे गुरुद्वारा है और अंदर का व्यू नहीं लेने दे रहे थे तो बार बार का हमने लिया गुरुद्वारा। सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके हम लोग को, सब लोगों को। तो बस अब मैं पूरा एक सिनेमेटिक शॉट दिखा दे रहा हूँ आप लोग। सो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब गुरुद्वारे में आए और लंगर ना खाया ऐसा हो ही नहीं सकता, तो अब लंगर खाने जा रहे हैं। सब लोग बैठेंगे वहाँ पे, लंगर खाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद वहाँ से उठेंगे फिर कहीं चलेंगे। सो फिर मिलता हूँ आपसे लंगर खाने के बाद, बाय बाय। सो गाइस लंगर खा के हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब फिर से जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे और फिर से निकलेंगे कहीं अपने दूसरे लोकेशन पर। सो चलते हैं। तो सो गाइस अभी हम लोग आए हैं, यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का नाम है तेली का मंदिर। तो ये देखो मेरे पीछे जस्ट पूरा मंदिर दिख रहा है आप लोग को। ये मंदिर है, मेरा फेस थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि बैक साइड पड़ जा रहा है उजाला, इस साइड आ रहा है तो इस साइड आ रहा है। तो ये देखो पीछे मेरा पूरा मंदिर। सो गाइस हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं एक मंदिर पे जिसका नाम है सास बहु मंदिर। हाँ सास बहु मंदिर, मैं भी सुन के शॉक हो गया था, आप लोग भी हो जाओगे। तो ऐसे तो नहीं दिखाऊंगा करके पीछे, मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, हम लोग ऊपर से घूम के नीचे आ चुके हैं, बैग देखो गाड़ी से ले लिया है, हम लोग नीचे आ चुके हैं, देखो यहाँ से लोग कहाँ जाते हैं। तो वैसे आप लोग से भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ग्वालियर आओ तो ये जगह प्लीज़ घूमो, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही एकदम मौसम जगह है ये। और मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करी हैं आप वीडियो का, और लाइव देखने का तो मज़ा ही अलग होता है। सो मेरे सब्सक्राइबर से यही, अगर कोई ग्वालियर आता है कि आप ग्वालियर आ रहे हो तो प्लीज़ ये जगह घूम के जाना, ग्वालियर फोर्ट, जगह का नाम है ग्वालियर फोर्ट, घूम के जाना जगह, देखते हैं। नीचे उतरते हम लोग एक कैफे में आए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चाय लिया है। देखो अभी हम लोग अंदर चाय पियेंगे, भाई भैया लोग लेके जा रहे हैं चाय, फिर दिखाते हैं। तो कैफे से निकले हैं और कैफे से निकलते बाहर बहुत बारिश होने लगी थी, मौसम अचानक से ख़राब हो गया, तभी हम लोग साइड में रुके पड़े हैं। फिर जाते भी फिर देखो रोड पर जाएंगे, फिर रोड पर देखो क्या होता है, फिर दिखाता हूँ। तो हे गाइस हम लोग ग्वालियर से आ चुके हैं सीधा आगरा। हम लोग आगरा बहुत लेट हो गया था, तो हमें यहाँ से कोई साधन नहीं मिला वापस जाने के लिए घर, तो हम लोग आज रात आगरा में रुकने वाले हैं। सो
चिता को दिखाया था मैंने ग्वालियर में, आप लोग को दिखा दिया। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ। तो प्लीज जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई को बहुत सारा सपोर्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।